गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके सामने टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का एडमिशन ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट की जाती है, ये टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, उसमें दो केस होते हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ गुडविल अमाउंट ब्रिंग इन कैश, जब गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है, ब्रिंग इन कैश। सेकेंड टॉपिक होता है डज नॉट ब्रिंग इन कैश, नगद नहीं लाता। एक होता है ब्रिंग इन कैश, नगद लाता है। एक होता है डज नॉट ब्रिंग इन कैश, जब नगद नहीं लाता। जब नगद लाता है तो उसमें दो केस हो सकते हैं कि गुडविल का अमाउंट विड्रॉ नहीं किया जाए। अगर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ नहीं करते तो ये दो एंट्री करनी पड़ती है। पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लो 1,00,000 रुपए की गुडविल ला रहा है और 3,00,000 रुपए की कैपिटल है, तो टोटल यहाँ 4,00,000 रुपए हो जाएंगे कैश के। अब जो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स अकाउंट। ये सिर्फ वही पार्टनर आएंगे जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हो तो उसी को गुडविल का अमाउंट दे रहे हैं। ओल्ड पार्टनर्स से इसका कोई मतलब नहीं होता, ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। मान लो ओल्ड है ए बी सी, तीन ओल्ड है, तो तीनों को नहीं मिलेगा। जो पार्टनर ने उस पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया है, सिर्फ गुडविल का अमाउंट उसी को दिया जाएगा। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आएगा, ओल्ड पार्टनर्स नहीं आएंगे। और रेशियो भी आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये तो फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट बन जाता है इसी का, अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं तो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री। अगर इस केस में ये कहा जाए कि गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, इफ गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो ये दोनों एंट्री तो करनी करनी है। उसके साथ ये तीसरी एंट्री भी करनी है जिसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ऊपर हो जाएगी और टू कैश, और रेशियो के सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये तीनों एंट्रियां उस केस में करनी पड़ेगी जब विड्रॉ पार्टनर्स के द्वारा कर लिया जाता है। ये डज नॉट विड्रॉ बाय पार्टनर्स, ये दो एंट्री तब होती है जब पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ नहीं किया जाता। और ये तीनों एंट्री तब होती है, ओनली दो एंट्री, इसमें तीनों एंट्री, गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर्स, गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर्स, तो तीनों एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन अगर विड्रॉ नहीं किया जाता तो सिर्फ पहली दो एंट्री, फर्स्ट और ये सेकंड, ये एंट्री की जाती है उस केस में जब गुडविल का अमाउंट विड्रॉ नहीं किया जाता। नगद लाता है और विड्रॉ नहीं किया जाता तो दो एंट्री, नगद लाता है विड्रॉ कर लिया जाता तो तीन एंट्री, 1, 2 और विड्रॉ वाली एंट्री भी करनी है। इसके बाद है जब गुडविल का अमाउंट नगद नहीं लाया जाता, कैश नहीं लाता, तब क्या एंट्री होती है? तो सिर्फ अगर गुडविल का अमाउंट नगद नहीं ला रहा तो सिर्फ कैपिटल का अमाउंट ला रहा है, तो कैपिटल के अमाउंट से कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां जो पार्टनर्स करंट अकाउंट, मान लो सी है पार्टनर्स तो सी इज करंट अकाउंट, और इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहे, लिख रहे इसमें, क्योंकि गुडविल का अमाउंट हम नगद नहीं लाते। जिसमें नगद ला रहा उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसमें नगद नहीं ला रहा उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नीचे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के नाम इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, अगर सी भी है तो सी इज कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिर्फ डिफरेंस इसका है, वहां प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा गया था, यहाँ न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा हुआ है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और जो थर्ड एंट्री होती है विड्रॉ वाली, इसमें विड्रॉ वाली एंट्री नहीं होगी क्योंकि पार्टनर जब नगद लाएगा ही नहीं तो उसे विड्रॉ के
क्या करेगा, इसलिए इसमें थर्ड एंट्री नहीं होती, सिर्फ ये दो एंट्रियां ही होती है अगर गुडविल का अमाउंट पर नगद नहीं लाते। और गुडविल का अमाउंट नगद लाते हैं तो उसमें केस देखे जाते हैं कि गुडविल का अमाउंट डज नॉट विड्रॉ, तो यहां तक ही दोनों एंट्री, और गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर्स, तो तीनों एंट्री। ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है जो आपके क्वेश्चन नंबर 18 या 17 से स्टार्ट है और उसके बाद आपके 40 या 41 तक के क्वेश्चन आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। इनसे अगले क्वेश्चनों में मैं दोनों को डिटेल से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो ये टॉपिक है उसे सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।